चलो मैं आपको बता देती हूँ, परमिएबल का मतलब होता है, मान लो कोई ये मेम्ब्रेन है और इसके बाहर भी इधर भी कुछ सब्सटेंस है और इधर भी कुछ सब्सटेंस है, ओके। अब इसको इधर से इधर जाना है या फिर इसको इधर से इधर लाना है, तो ये मेम्ब्रेन अगर इस चीज को अलाउ करता है तो उसे हम कहते हैं परमिएबल। परमिएबल मतलब इसमें से सब्सटेंस जो है ये क्रॉस इसके जा सकते हैं, आ सकते हैं, सब्सटेंस क्रॉस कर सकते हैं एक दूसरे को, और इसी को कहा जाता है परमिएबल, ठीक है। तो ये फ्रीली परमिएबल सेल वॉल को कहा जाता है। दैट मीन्स कि सेल वॉल जो है ये किसी भी सब्सटेंस को सेल के अंदर जाने दे सकता है या सेल के बाहर जाने दे सकता है, ठीक है। ये किसी भी सब्सटेंस को रोकता नहीं है सेल के अंदर जाने में या सेल के बाहर जाने में, और इसीलिए हम इसको कहते हैं फ्रीली परमिएबल। मतलब ये सब्सटेंस को अंदर बाहर आने जाने में कोई रोक टोक नहीं करता है, ठीक है। हम आगे देखते हैं, ये आपका हो गया सेल वॉल। और सेल वॉल का काम होता है बेसिकली सेल के स्ट्रक्चर को बनाना। स्ट्रक्चर जो अलग अलग स्ट्रक्चर होता है सेल का, मतलब जो सर्कुलर हो गया, जो ये बैक्टीरिया का मैंने बताया है, तो इसके ऊपर सेल वॉल पाया जाता है और उसी सेल वॉल की वजह से इसका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। तो सेल का कैसा आकार होगा ये बताता है आपका सेल वॉल, क्योंकि अब ये रिजिड होता है, रिजिड होने की वजह से ये सेल का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। तो सेल का स्ट्रक्चर डिसाइड करने में सबसे बड़ा रोल होता है सेल वॉल का, और ये बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे हुआ है कि सेल के शेप को कौन डिसाइड करता है। तो सेल के शेप को डिसाइड करता है सेल वॉल, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर या शेप कह लो, शेप कैसा होगा, सर्कुलर होगा, रेक्टेंगुलर होगा या स्क्वायर होगा, कैसा होगा, ये डिपेंड करता है सेल वॉल पे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें यही है सेल वॉल के बारे में जो एग्जाम में पूछी जाती है। ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, रिजिड होता है, फ्रीली परमिएबल मतलब किसी भी सब्सटेंस को अक्रॉस आने जाने दे सकता है। इसके अलावा सेल के स्ट्रक्चर या शेप को यही डिसाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो लेयर था सेल का वो था सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, और इसी को कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कंफ्यूज नहीं होना, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बात एक ही होता है, ठीक है। और ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये लिविंग स्ट्रक्चर होता है, लिविंग होता है, ये रिजिड नहीं होता है, काफी लूज होता है, और ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब हो गया कि ये कुछ ही सब्सटेंस को, कुछ सेलेक्टेड सब्सटेंस को एक जगह से दूसरे जगह आने जाने देगा। मतलब सेल के अंदर या सेल के बाहर, या सेल के अंदर या सेल के बाहर, कुछ ही सब कुछ सेलेक्टेड सब्सटेंस को ही ये बाहर आने जाने देगा। जबकि सेल वॉल के साथ क्या था, वो किसी भी सब्सटेंस को आने जाने दे रहा था, और इसीलिए इसको फ्रीली परमिएबल कहते हैं। लेकिन इसको कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल, ठीक है। एग्जाम में यही चीजें पूछी जाती है, इसलिए इसको याद रखना। सेमी परमिएबल पूछ देता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस तरह का होता है, फ्रीली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल, कैसा होगा। तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल होगा, और सेलेक्टिवली परमिएबल को ही सेमी परमिएबल भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है सेल वॉल जो है ये बना होता है फॉस्फोलिपिड का, फॉस्फोलिपिड, ओके। फॉस्फोलिपिड कहने का मतलब हो गया वैसा लिपिड जो फॉस्फोरस के साथ जुड़ा हुआ हो, इसे हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में काफी डिटेल में पढ़ना है, इसका फ्लूइड मोजैक मॉडल पढ़ना है, फ्लूइड मोजैक मॉडल, और ये एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं कि फ्लूइड मोजैक मॉडल किसका है। तो ये सेल मेम्ब्रेन का है, और फ्लूइड मोजैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लूजली पैक्ड होता है। ये आगे बताते हैं, देखो इसके स्ट्रक्चर के बारे में सच में बहुत ज्यादा पूछा हुआ है। बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये बना होता है आपका प्रोटीन का, लिपिड का और कार्बोहाइड्रेट का,
लेकिन ये यूकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन बना होता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का। अभी हम पढ़ रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, तो प्रोकैरियोटिक में जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का पूछेगा कि उसका सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है, तो सिंपली आप बोलोगे कि ये बना होता है फॉस्फोलिपिड का। ठीक है, फॉस्फोलिपिड का। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन बना होता है फॉस्फोलिपिड का, लेकिन बेसिकली फ्लूइड मोजाइक मॉडल हमें पढ़ना है। और ये बना ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, आप लोगों को बताएंगे भी। प्रोटीन लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ होता है। हमारा आरबीसी जो है, इसमें कितना प्रोटीन और कितना लिपिड और कितना कार्बोहाइड्रेट है, ये बहुत बार पूछा हुआ है। तो इसमें ऑलमोस्ट 54% टू 58% प्रोटीन होता है, और बाकी ऑलमोस्ट 40% इसमें लिपिड होता है। 50% के आसपास आपका, 52% समझ लो, इसमें प्रेजेंट होता है प्रोटीन, 40% लिपिड और 8% कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट काफी कम होता है। ठीक है, इसे आप नोट कर लेना। आरबीसी का ये बहुत बार पूछे हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्स में इसमें भी पूछे हुआ है। आरबीसी में 52% प्रोटीन पाया जाता है, 40% लिपिड पाया जाता है और 8% कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का पूछेगा तो फॉस्फोलिपिड का, यूकैरियोटिक पूछेगा तो प्रोटीन लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। चलो कुछ और चीजों का लिख लेना, जैसे फंजाई, फंगी आप देखते हो, इसका जो सेल वॉल बना होता है या सेल मेम्ब्रेन आप कहोगे, ये काइटिन का बना होता है, और ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में अभी तक पूछे हुआ है। फंजाई का सेल मेम्ब्रेन काइटिन का बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये आपका सेल मेम्ब्रेन का एक सिंपल इंट्रो था। आगे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी इसके अलावा, क्योंकि वो यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ना है। अगला है राइबोसोम। देखो राइबोसोम क्या होता है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, और इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है, इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, और ये बस इतना ही आपको याद रखना है। राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है, और इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, इसके अलावा मैंने कहा था न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस में आप जानते हो आरएनए और डीएनए पाया जाता है। आरएनए और डीएनए के बारे में जानते हो कुछ भी साक्षी? आरएनए क्या होता है या डीएनए, कोई कुछ भी जानते हो आप इसके बारे में? ओके, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, देखो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये याद रखना। आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का होता है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, और ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और इन दोनों को बोला जाता है कलेक्टिवली जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो न्यूक्लियस में, और जब भी सेल डिवाइड करेगा, बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन ये ध्यान रखना है यहीं पे, क्योंकि आगे तो सेल डिवीजन में हम माइटोसिस और मियोसिस पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे याद रखना इसमें फीजन होता है। फीजन का क्या मतलब हुआ, फीजन का मतलब होता है टूटना, इक्वल पार्ट्स में टूट जाना फीजन कहलाता है। आप केमिस्ट्री में भी इस टर्म को काफी ज्यादा ये देखोगे। तो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल जो है, ये हाफ से टूट के दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं फीजन। जैसे आप देखते होगे अमीबा के अंदर, ये बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे हुआ है अमीबा, इसमें बाइनरी फीजन होता है।
ये भी याद रखना, इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है अमीबा के अंदर, रिप्रोडक्शन ये बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। बाइनरी फिजन का मतलब यही होता है, अमीबा क्या, अमीबा का जो बॉडी पार्ट होता है पूरा टोटल बॉडी, वो हाफ से टूट जाता है और दो पार्ट में बढ़ जाता है, और दोनों अलग अलग फिर ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, और इस तरह से फिर ये दो पार्ट में टूटता है और ये दो अलग अलग बनता है, और ये पुराने जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस तरह से इनका रिप्रोडक्शन ये चलता रहता है, ये टूटेंगे फिर दो बनेंगे, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है बाइनरी फिजन। और ये पाया जाता है बेसिकली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो, एक हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में सिर्फ इतना ही था, यही चीजें पढ़नी थी बेसिकली। सेल वॉल पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आरएनए डीएनए पाया जाएगा। हाँ, इसके साथ साथ जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में इस डीएनए के अलावा एक और डीएनए पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए। और ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए को शॉर्ट में हम कहते हैं प्लाज्मिड, और इसको जरूर याद रखना, ये बहुत बार पूछे हुआ है कि प्लाज्मिड क्या होता है। तो प्लाज्मिड कुछ नहीं होता है, ये बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए होता है। बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए जो है ये कहलाता है आपका प्लाज्मिड, ओके। तो ये याद जरूर रखिएगा, ये बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए। माइक्रो प्लाज्मा के बारे में बता चुके हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म आप जानते हो। इसके अलावा एक और टर्म इसमें होता है जिसे हम कहते हैं वेसाइकल्स, 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 जैसे कि वैक्यूल्स। आप आगे पढ़ोगे प्लांट सेल में वैक्यूल पाया जाता है, वैसे ही जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर वेसाइकल्स पाया जाता है। और इसका काम होता है जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, उन सभी वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर ले जाना, वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर करने को बोलते हैं। करने के लिए एक ऑर्गेन, मतलब ऑर्गेन होता है, ऑर्गेनेल कहते हैं इसको, ये होता है वेसाइकल्स, और ये अलग अलग टाइप का होता है, और ये इसका काम बेसिकली है वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर ले जाना। और इसी तरह का काम होता है वैक्यूल्स का, जो कि प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो ये टोटल प्रोकैरियोटिक का एक ओवरव्यू था, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अब देखो यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या पाया जाता है, तो एक चीज, एक सीरियल वाइज मैं आपको बताते चलती हूँ, आप ध्यान से समझना चीजों को। देखो यूकैरियोटिक सेल में, किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर सबसे अंदर तो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर इनवेलप होगा, ठीक है। और इसमें क्रोमोजोम पाया जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, और इस क्रोमोजोम पे आरएनए और डीएनए होगा, ठीक है। अब इस बाहर का जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, किस तरह का झिल्लीनुमा स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, और इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम या क्रोमोजोम कह सकते हो, और इस क्रोमोजोम पे पाया जाता है आरएनए और डीएनए, और इसके बाद आपका पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में इसको ईआर करते हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये दो तरह का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टू टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी को कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अब रफ किसको कहते हैं, तो रफ उसको कहते हैं जिसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है। इस तरह से राइबोसोम जिस पे भी पाए जाएंगे उन्हें हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिस पे राइबोसोम पाया जा रहा है वो हमारा हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पे राइबोसोम नहीं पाया जाएगा वो हो जाता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अभी तक आपने देखा कि यूकैरियोटिक सेल में सबसे अंदर में आपका न्यूक्लियस होता है, उसका न्यूक्लियर एनवेलप होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम के ऊपर आरएनए डीएनए होता है, उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जस्ट सटा हुआ, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या किया है ना, पूछ दिया है कि सीरियली सजाइए, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स का नाम दे दिया है और उसके बाद लिख दिया है कि इसे अंदर से बाहर या बाहर से अंदर तक सजाइए। ठीक है, तो इसलिए मैं इस तरह से आपको ये चीजें बता रही हूँ। ये हो गया, अब ये दो टाइप का हो गया आपका। अब इसका काम क्या है देख लो, तो पहले ही मैंने बताया था कि राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा इसका काम होगा प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, लेकिन जो स्मूथ होगा इसका काम होगा लिपिड सिंथेसिस, ये लिपिड का फॉर्मेशन करेगा, और प्लस एस्टेरॉइड्स, हमारी बॉडी में जितने भी एस्टेरॉइड हॉर्मोन्स होती हैं उनका सिंथेसिस बेसिकली यही होता है। एस्टेरॉइड्स कहने का मतलब है एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड जो हॉर्मोन्स होते हैं, या जो वैसे हॉर्मोन्स जो हमारे ओवरीज या टेस्टिस से रिलीज होते हैं उनको हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं बेसिकली, और ये इनका फॉर्मेशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। इसके अलावा लिपिड का भी फॉर्मेशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही होता है। तो एग्जाम्स में अभी तक यही सारे पूछे हुए हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज का फॉर्मेशन करता है, या प्रोटीन का सिंथेसिस यूकैरियोटिक सेल में कहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, अब रफ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इसके बाहर इससे जस्ट सटा हुआ है किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, और इसको हम कहते हैं गॉल्जी बॉडी, गॉल्जी बॉडी या गॉल्जी एपरेटस। ओके, इसकी डिस्कवरी की थी सबसे पहले कैमिलो गॉल्जी ने, और ये याद रखना ये बहुत बार पूछे हुआ है, कैमिलो गॉल्जी, और इसीलिए इसका नाम रखा गया है गॉल्जी बॉडी। तो साइंटिस्ट का नाम हो गया कैमिलो गॉल्जी, जिन्होंने सबसे पहले गॉल्जी बॉडी के बारे में बताया था, और ये इसीलिए इसका नाम गॉल्जी बॉडी रखा गया है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसके बारे में कभी कभी पूछ देता है, जो इस तरह का पार्ट होता है इसको हम कहते हैं सिस, जैसे केमिस्ट्री में भी आप सिस और ट्रांस पढ़े होंगे वैसे ही, और इस पार्ट को कहते हैं ट्रांस फेस। ठीक है, सिस फेस और ट्रांस फेस, और ट्रांस फेस को मैच्योरिंग फेस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे जो लिपिड और प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ है ये जाता है गॉल्जी एपरेटस में, ठीक है, और गॉल्जी एपरेटस का जो ये सिस पार्ट है इससे अटैच होता है, और ट्रांस पार्ट से ये इसके बाहर आता है इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में। ठीक है, तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन जो है वो करता है गॉल्जी बॉडी, और ये बहुत बार पूछा है, और इसका सिस फॉर्म जो होता है ये भी बहुत बार पूछा हुआ है कि इसका जो सिस फेस होता है वो किसकी तरफ होता है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है, और ट्रांस फेस जो है ये सेल वॉल की तरफ होता है, मतलब ये बाहर की तरफ होता है। एक और चीज है, ये बुक में नहीं दिया हुआ है, लाइसोसोम आप पढ़ोगे, लाइसोसोम जनरली इसको हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, और इसका फॉर्मेशन इसी गॉल्जी बॉडी के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी गॉल्जी बॉडी के द्वारा होता है, और प्लस ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन भी गॉल्जी बॉडी के द्वारा होता है। तो लाइसोसोम इसके ट्रांस फेस की तरफ पाया जाता है, सिस फेस इधर हो गया, ट्रांस फेस इधर हो गया, और इसके अंदर ये जो इस तरह का है,
इसके अंदर इस तरह से झिल्लीदार स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इस झिल्लीदार स्ट्रक्चर का काम होता है सरफेस एरिया को बढ़ाना, और इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी, ठीक है। ये होता है हमारा सिस्टर्नी, ये जो झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होता है ये सिस्टर्नी कहलाता है। कई बार स्ट्रक्चर देख के पूछ देता है कि इसको हम क्या कहते हैं, तो गोल्जी अपरेटस में जो इस तरह का झिल्लीदार स्ट्रक्चर होगा उसे हम कहेंगे सिस्टर्नी। यहां तक क्लियर है? तो ये गोल्जी अपरेटस तक हो गया। अब इसके बाद लाइसोसोम आपका होगा, लाइसोसोम के ऊपर भी मेम्ब्रेन होता है। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अभी तक मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं ये सभी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, सभी के ऊपर दो मेम्ब्रेन होगा। न्यूक्लियर एनवेलप में मतलब एक ये पार्ट हो गया और इसके ऊपर एक और, तो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हो गया। प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी दो मेम्ब्रेन पाया जाता है, ये भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। और गॉल्जी बॉडी भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, प्लस लाइसोसोम भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसके बाहर भी ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, काफी छोटा होता है। और इसके अंदर, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलेज एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोलेज एंजाइम या ऑक्सीडेज आप कह सकते हो। बेसिकली लेज जहां पे भी एस लास्ट में लगा रहे, मतलब उसका काम होता है डाइजेशन या डाइजेस्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना किसी भी चीज को। तो जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं सेल के अंदर, जो भी वेस्ट पार्ट बनते हैं, उन सभी पार्ट्स को ये लाइसोसोम के अंदर ये जाता है और सभी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि इसका सेल वॉल जो है, इसका मेम्ब्रेन जो है, ये ब्रेक हो जाता है और ये इसके अंदर पाए जाने वाला एंजाइम जो है ये पूरे सेल के अंदर फैल जाता है और पूरे सेल को ये डाइजेस्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसीलिए इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ दी सेल। ओके, इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ दी सेल। साक्षी, यहां तक क्लियर है चीजें, समझ में आ रही है आपको? यहां तक अगर सब कुछ क्लियर हो तो आगे मैं आपको बताऊं। इसको इसमें लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम में हाइड्रोलेज एंजाइम होता है, हाइड्रोलेज एंजाइम का काम होता है डाइजेशन और ओके, कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही है। जब इसकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप दोबारा देख लेना तब आई थिंक आपको चीजें और समझ में आ जाएंगी। प्लस आपका काम होगा एनसीईआरटी पढ़ के आना, एनसीईआरटी में सेल चैप्टर जो है इसको आप पढ़ के आइएगा नेक्स्ट डे, ठीक है। इसको आप अच्छे से वहां पे पढ़ोगे तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने मेन मेन टॉपिक्स बताए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वही सारी चीजें अभी तक आपको बताई हैं। तो यहाँ तक हो गया लाइसोसोम, प्लस इसमें कुछ स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं सेल के अंदर, ठीक है। देखते हैं कल परसों कितने बच्चे आते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम आगे देखेंगे। और जो लोग भी अभी तक आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज अपना पेमेंट क्लियर कर ले ताकि क्लास को अच्छे से चलाने में हेल्प मिले। जहां कहीं से भी हो, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपको करना हो, ऑलरेडी सब चीजें आपकी क्लियर है। 1000 फी है जिसमें आपको हाफ पेमेंट करना है अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए हो। ये कोर्स फी है, ये सारी चीजें आप देख लेना इसको। और आज इतना ही रहने देते हैं, आई थिंक इतना बहुत है। नेक्स्ट डे इसकी और सारी चीजें आपको डिटेल में बताएंगे और आगे बताएंगे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से और चीजें पूछी जाती है, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी सारी चीजें और कल की क्लास में बताया जाएगा। थैंक यू फॉर कमिंग।